भारत दौरे पर आए यूरोपियन यूनियन सांसदों के दल ने कश्मीर के हालातों का जायजा लिया है। उन्होंने श्रीनगर के कई इलाकों का दौरा किया और हालातों को जानने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद भारत ने पहली बार विदेशी सांसदों को वहां जाने देने की अनुमति दी। ईयू सांसदों के इस दौरे पर भारत में राजनीतिक हलचल तेज हो गई और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस दौरे का विरोध किया था, जिसके बाद यूरोपीय सांसदों के दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भारत एक शांतिप्रिय देश है और कश्मीर के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि हमारे दौरे को राजनीतिक नजर से देखा गया, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पर हालातों की जानकारी लेने आए थे। आर्टिकल 370 को इन सांसदों ने भारत का आंतरिक मसला बताया और कहा कि भारत पाकिस्तान को आपस में बात करनी चाहिए। Well, the first impression is this is a beautiful country, but the second impression is there is a very complex situation here, political situation, social situation, and we know that this has the beginning. Has been plenty years ago, and the government tries to solve this problem, and I hope it will go good. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर भी EU सांसदों ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग नाजी लवर्स नहीं हैं। अगर हम होते तो हमें कभी चुना नहीं जाता। उन्होंने इस शब्द के प्रयोग पर काफी आपत्ति भी जताई। Well, I think the problem of Kashmir is the terrorism. It's a marvelous place in India. It's everything to grow up. But in fact, maybe it's the statue, maybe it's the terrorism, maybe it's both, I think. All of that make a situation completely frozen since many years. वहीं सांसदों ने आतंकवाद के मसले पर कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ हैं। आतंकवाद का मसला यूरोप के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। Because Kashmir is a potential region where the terrorism is very severe, very important, and it's not just a question of Kashmir. It's a global question. Terrorism is everywhere. We are also concerned because this terrorism in Kashmir, and we learned that with very good presentation from the army and from the police and from the civil authorities. आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि कश्मीर दौरे पर EU सांसदों ने क्या किया। EU सांसदों ने स्थानीय नेताओं, अधिकारियों, सरपंचों से मुलाकात की। सांसद श्रीनगर की मशहूर डल झील पर भी गए। घाटी के हालातों पर सांसदों को भारतीय सेना ने प्रेजेंटेशन भी दी। भारत सरकार की तरफ से कई विपक्षी दलों के नेताओं को कश्मीर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन इन सांसदों को ये मौका मिला, जिसको लेकर सरकार की इस नीति पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। R9 TV ब्यूरो रिपोर्ट।